सदों माननीय सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, द मैटर अंडर रूल 337 शैल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. मेंबर हु हैव बीन परमिटेड टू रेज द मैटर अंडर रूल 337 टूडे 377 टूडे एंड आर डिजायरस ऑफ लेइंग देम मे पर्सनली हैंड ओवर द टैक्स ऑफ द मैटर at the table of the house within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which tax of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapse. विधायकी कार्य, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020, माननीय मंत्री जी. कौन सा है मंत्री जी? हाँ सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल. यस यस, आप ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज टू मूव दैट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 टू बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन. स्पीकर साहब, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का बिल पहले पार्लियामेंट में आया था September 14, 2020 को, और लोकसभा ने उसको स्टैंडिंग कमिटी को भेजा था. स्टैंडिंग कमिटी ने उस पर विस्तार से विचार किया. विचार करने के बाद स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट में कई सुझाव आए. सुझाव को भी हमने ध्यान में लिया है. और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय? फीमेल से ओवम लेके मेल के स्पर्म को लेबोरेटरी में एम्ब्रियो डेवलप करके उसको फिर से फीमेल में इम्प्लांट करने के लिए सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है. और ये बिल के कई पहलू है, और लाने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि देश में ऐसी कई क्लिनिक आज के दिन में चल रही है, वो VIF कर रही है. उसको रेगुलेट करना था, और रेगुलेट करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसमें कई ऐसे व्यवस्थाएं होती है जिसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन जब करने के लिए इंजेक्शन देना होता है, और इसलिए उसकी हेल्थ पर भी, महिला के हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट हो सकती है. एग रिट्राइवल की प्रोसेस भी उसमें होती है, और IVF और इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन की सारी प्रोसेस होती है. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है, और ये एम्ब्रियो रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था होती है. तो ये सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ये बिल मैं सम्माननीय सदन में ला रहा हूँ. सदन उसके ऊपर विचार करे और उसको पारित करे. बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी.